पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर महानगर द्वारा मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा, परिवर्तन का वाहक सदैव युवा तरुणाई रहा है। भारत माता की आजादी के लिए अनेकों युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज के युवा विशाल व्यक्तित्व के धनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों के विचारों को अपने जीवन में चरितार्थ करके ही उन महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजयुमो क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय, स्वागत भाषण भाजयुमो महानगर अध्यक्ष पवन यादव और कार्यक्रम का संचालन भाजयुमो क्षेत्रीय मंत्री मुकेश सिंह ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से रितेश सिंह बब्बू, अखिल देव, सुमित राय, दिलीप मिश्र, डॉ. विवेकानंद सिंह, यज्ञ दत्त त्रिपाठी, श्रवण शुक्ला, अमित नारायण मल, हिमांशु श्रीवास्तव, अवधेश अग्रहरी, अभय शुक्ला, चंदन श्रीवास्तव, अविनाश राय, शिवम मिश्रा आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा, सितंबर 1916 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को प्रत्येक बूथों पर मनाने वाली है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज उनकी पूर्व संध्या पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जीवन दर्शन है, जो उन्होंने विचार दिया है, उन विचारों को लेकर के युवाओं के बीच में एक संगोष्ठी का आयोजन आज यहाँ किया गया था।